नमस्ते दोस्तों, उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, मैं यहाँ पे सब्जी लेने आई हूँ, चलिए सब्जी ले लेती हूँ। तो ये केवाँच का पेड़ है दोस्तों, देखिए इसमें केवाँच हरी हरी घोपेदार फरा हुआ है, तो बहुत दूर तक नहीं फैला हुआ है, छोटे जगह पर ये एक पेड़ है, इसमें बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो आप लोग ऊपर से पहले देख लीजिए, वहाँ पर भी है। तो यहाँ पे बांस लगाकर झलरा थोड़ा सा बनाया गया है, तो उसी पे बहुत ही अच्छे से है। और इसी को मैं दोस्तों तोड़ लेती हूँ। तो इस तरफ से जड़ है, और ये देखिए एक पेड़ यहाँ पे लौका का है, और ये यहाँ से फरना स्टार्ट किया है, ऐसे ही फरते फरते। यहाँ पे अभी छोटा है, अभी ये तैयार नहीं हुआ है। तो इस तरफ से आप लोगों को भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से इस तरफ भी फरा हुआ है। तो दोस्तों, इसे हम लोग केवाँच ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बता देना, मैं सारा कमेंट दोस्तों पढ़ती हूँ। और ये देखिए, तो अभी ये तैयार नहीं हुआ है, जब तैयार नहीं हुआ रहता है दोस्तों तो ये टाइट नहीं हो रहता है, इसमें बीज बहुत नरम होते हैं, तब सब्जी जो है बनता है तो स्वादिष्ट नहीं बन पाता। तो इस घोपे में दोस्तों सारे केवाँच एकदम तैयार है, तो इसी घोपे को हम तोड़ लेते हैं। ये देखिए पतला सा ये है, इसी में ढेर सारा फरा हुआ है, तो आराम से हम इसे तोड़ेंगे। तो ऐसे ही एक और हम तोड़ लेते हैं। तो एक घोपा हमने तोड़ लिया है, एक और तोड़ लेते हैं यहाँ से। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, इसे आज बहुत ज़्यादा टच नहीं किया जाता, क्योंकि थोड़ा सा खजुलाहट रहता है, ऊपर रोआदार रहता है। ये देखिए आप लोग पास से देख सकते हैं। तो जितना मुझे ज़रूरत था उतना हमने तोड़ लिया है, अब हम चलेंगे घर पे। यहाँ पे हमने आग सुलगा हुआ था, इसे रख देते हैं चूल्हे में। तो केवाँच को हम अच्छे से धो लेते हैं। तो घोपे में से हम तोड़ देते हैं। अब हम एक एक करके देखिए, जो थोड़ा सा काला काला दिखाई पड़ रहा है उसे हम अच्छे से धो देंगे। तो ये अच्छे से छूट जाएगा। तो दो तीन पानी बहुत अच्छे से हमने धो लिया है, अब इसे हम भगोने में रख लेते हैं। अब हम आलू को भी धो लेते हैं। तो आलू को भी हमने धो लिया है, अब इस भगोने में रख के इसमें हम डालते हैं उबलने के लिए पानी। तो केवाँच और आलू को साथ में उबालेंगे। तो पानी हमने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, जैसे केवाँच अच्छे से इसमें डूबा रहे। तो अब हम चूल्हे पे रख देते हैं भगोना, आग हमने अच्छे से जला लिया है, अब इसे हम ढककर उबलने देते हैं अच्छे से। तो केवाँच हमारा अच्छे से उबल रहा है, तब तक मैं इधर मसाले को तैयार कर लेती हूँ। तो लहसुन का छिलका उतार कर रख लेते हैं। तो लहसुन का छिलका हमने उतार लिया है, अब हम प्याज का छिलका उतारेंगे। तो ढक्कन हटाकर देख लेते हैं, देखिए कितना ये उबला हुआ है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है केवाँच को पकने में। ये देखिए अभी थोड़ा सा टाइट है, अब इसे ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए मसाले को पीस लेते हैं। तो सिलबट्टे को हमने अच्छे से साफ कर लिया है, अब इस पर हम लहसुन प्याज मिर्चा को हम रख देते हैं, पीसेंगे, और इसमें हम डाल देते हैं गरम मसाला। तो गरम मसाले को थोड़ा सा हम कूट लेते हैं, पीसने में बहुत ही अच्छे से पिसा जाएगा। तो अब हम सभी मसाले को अच्छे से पीसेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो मसाले को हमने अच्छे से पीस लिया है, अब इसे सिलबट्टे पर से उठा लेते हैं। तो प्लेट में उठा लेते हैं। तो अब हम ढक्कन हटाकर देख लेते हैं अच्छे से पक चुका है कि नहीं। तो देखिए काफ़ी नरम है, अब इसे उतार लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसे नहीं गलाएंगे, नहीं तो छिलका उतरने में परेशानी होगी। तो अब हम भगोने को उतार देते हैं नीचे। तो अब हम इस पर रख देते हैं झिझकी, इसमें हम डाल देते हैं चावल। चावल को हमने अच्छे से धो लिया है।
तो चावल पकने के लिए इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो अब हम केवाच का छिलका उतारेंगे। दोस्तों ये पानी में रहे मतलब रहता है गर्मा गर्म, तो बहुत ही अच्छे से इसका छिलका उतरता है, इसलिए हम पानी में से निकाले नहीं हैं, ऐसे एक एक निकाल कर हम छिलके को उतारेंगे। तो थोड़ा सा ऐसे पकड़ेंगे तो आराम से ये छिलका उतर जाएगा। तो ऐसे ही छिलके को उतार लेते हैं। तो केवाच का छिलका हमने उतार लिया है, अब हम आलू का छिलका उतार लेते हैं। तो आलू का छिलका ऐसे ही उतार कर रख लेते हैं। तो चावल का ढक्कन हटाकर हम देख लेते हैं, दो बीच बीच में से एक दो बार हमने चलाया हुआ था, तो चावल हमारा अच्छे से पक चुका है, अब इसे हम उतार देते हैं। तो अब हम केवाच को एक में दो भाग कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो ऐसे ही सारे हम केवाच को काट लिए हैं। तो काटने के बाद इसमें हम एक में ऐसे खोलेंगे और देखिए थोड़ा सा देखिए लाइट दिखाई पड़ रहा है, तो इसे हम निकाल देंगे। तो आप लोग चाहे दोस्तों इसे ना निकालें, पर थोड़ा सा हम निकालेंगे और थोड़ा सा नहीं निकालेंगे। तो सारे छिलकों को हमने उतार लिया है, ये देखिए लास्ट इसे भी निकाल देते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये देखिए ढेर सारा छिलका हमने निकाला हुआ है। तो आलू को हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, बस ऐसे ही काट देते हैं। अब हम केवाच की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस पर रख देते हैं कढ़ाई, कढ़ाई में डाल देते हैं सरसों का तेल। तो कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, अब इसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल। तो तेल को भी अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो केवाच और आलू को दोनों को हम तलेंगे पहले। सबसे पहले आलू को हम तेल में डालकर तल लेते हैं। तो आज को हमने थोड़ा सा तेज रखा हुआ है और देखिए बहुत ही अच्छे से आलू को हम तल रहे हैं। ये थोड़ा सा इसको हम एक मिनट तक और तल लेंगे, क्योंकि कलर अच्छे से चेंज हो गया है। तो आलू को हमने तल लिया है, अब इसे हम निकाल देते हैं। तो थोड़ा सा एक किनारे पर करते हैं, एक्स्ट्रा तेल साइड में हो जाएगा, उसके बाद निकालेंगे। तो अब हम डालेंगे केवाच को। थोड़ा थोड़ा करके इसे भी हम तल लेते हैं। केवाच का भी हल्का सा कलर चेंज हो गया है, तेल में अच्छे से तल चुका है, इसे भी हम निकाल देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे रोक कर। तो इसे भी हम डालकर तल लेते हैं। जो हमने मसाला पीस कर रखा हुआ है इसमें हम हल्दी डाल देते हैं। हल्दी डालने के बाद इसमें डाल देते हैं धनिया पाउडर। तो इसे भी मैंने अच्छे से तल लिया, इसे निकाल लेते हैं। तो तलने के बाद देखिए केवाच और आलू बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो सब्जी हमारी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो उसी तेल में हम डाल देते हैं तेजपत्ता और इसमें डाल देते हैं मसाला। अब मसाले को अच्छे से भूनते हैं। तो मसाले को अच्छे से हमने भून लिया है, तेल इसमें निकलना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें हम केवाच और आलू को डालकर थोड़ा सा दो मिनट तक भूनेंगे। तो दो मिनट तक इसे हम अच्छे से मसाले में भून लिया है, तो बहुत ही अच्छे से दोस्तों इसमें खुशबू आ रहा है मसाले का। तो इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो थोड़ा सा हम रसेदार बनाएंगे, अगर आप लोग चाहें तो इसे सूखा भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। तो हम चावल के साथ भी बनाए हैं, तो थोड़ा सा रसादार बनाएंगे। तो सब्जी हमारा उबलना स्टार्ट हो गया है, तो इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इसको हम अच्छे से चला देते हैं। तो अब हम आटे को तैयार करेंगे। तो हम मोटी रोटी दोस्तों बनाएंगे कोचा, तो थोड़ा सा और टाइट आटा गूंदेंगे। तो आप लोग चाहे दोस्तों इसे इसके साथ रोटी बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं। ये देखिए जो मैंने आटा लिया है इसमें जोनरी का आटा मिला हुआ है, लाल लाल दिखाई पड़ रहा है गोहिए के आटे में, इसलिए हम बना रहे हैं कोचा। तो सब्जी दोस्तों हमारा बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं ग्रेवी हमने थोड़ा सा रखा हुआ है। अब हम कढ़ाई को उतार देते हैं। तो चूल्हे पर रख देते हैं तावा, तावा को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो हाथों में थोड़ा सा पानी लगाकर हम एक कोचे को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, जिसे हाथ की रोटी भी कहते हैं, इसे हम बड़ा करते हैं हथेलियों के सहारे। तो तावा हमारा गर्म हो गया है, अब कोचे को हम डाल देते हैं तावे पे, वैसे ही दूसरे कोचे को बनाते हैं।
तो थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद इसे हम पलट दिया था, तो इस साइड भी अच्छे से पक चुका है। तो इसे हम चूल्हे में डालकर घुमाकर पकाएंगे। दूसरे कोचे को डाल देते हैं तावे पे। तो पहले उल्टा साइड कोचे को सेकते हैं, जैसे इस तरफ थोड़ा सा मोटा रहता है, जब इस साइड थोड़ा सा पक जाता है उसके बाद दूसरे साइड में पलटते हैं तो अच्छे से फूल जाता है। तो ऐसे ही कोचे को हम बना लेते हैं। तो कोचा हमारा अच्छे से फूल गया है, तो थोड़ा सा इसके घुमा घुमा कर पकाएंगे दोस्तों। थोड़ा सा कोचा टाइट रहता है तभी खाने में अच्छा रहता है। तो अंदर तक अच्छे से पक जाएगा। तो अब हम थाली में खाने को परोस लेते हैं। तो अब हम सब्जी को निकालेंगे। तो सब्जी दोस्तों हमारा बहुत ही अच्छा बना हुआ है केमाच का, आप लोग ऐसे बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रहता है। तो अब हम थाली में निकाल लेते हैं। तो सुबह का खाना दोस्तों हमारा बनकर तैयार है। हमने बनाया है केमाच की रसेदार सब्जी, उसमें आलू डाला हुआ है, उसके साथ रोटी और कोचा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, और हमारे वीडियो को आप लोग लास्ट तक रखें, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए नमस्कार।